दशकों से उपेक्षित 15,000 से अधिक की कुल आबादी वाले नामपोंग निर्वाचन क्षेत्र में 2014 के बाद से बड़े पैमाने पर विकासात्मक प्रगति देखी गई, जब एक नए विधायक ने शासन संभाला। उनका एकमात्र उद्देश्य उन लोगों की सेवा करना था जो राज्य के अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में उनके साथियों द्वारा प्राप्त बुनियादी सुविधाओं से वंचित थे। निर्वाचन क्षेत्र में विकास का सागर 2014 में शुरू हुआ, जब जमीन से जुड़े व्यक्ति लाइसम सिमाई बीजेपी टिकट से निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुने गए, और तब से इसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि यह निर्वाचन क्षेत्र सभी मोर्चों पर आगे बढ़ा है, चाहे वह स्वास्थ्य क्षेत्र हो, शिक्षा हो, खेल हो, सामाजिक आर्थिक विकास हो। 2019 में फिर से सीट जीतने वाली सिमाई ने विकास की एक प्रवृत्ति स्थापित की है। असम में जगुन से लेकर जयरामपुर तक का राष्ट्रीय राजमार्ग, जो पहले यात्रियों के लिए एक बुरा सपना था, अब उन लोगों के लिए एक आसान सवारी बन गया है, जो भारत म्यांमार सीमा में पंगसो पास तक राजमार्ग के माध्यम से ड्राइव करने में प्रसन्न महसूस करते हैं। निर्वाचन क्षेत्र में जयरामपुर एडीसी हेडक्वार्टर, नामपोंग एसडीओ हेडक्वार्टर और मनमाओ सर्कल के साथ सिमाई के तहत बिना किसी भेदभाव के समान विकास हुआ है। लोगों को सेटिस्फेक्शन करना या देना बहुत ही सबसे टफेस्ट जॉब एज अ लीडर, एज अ यू नो रिस्पॉन्सिबल पर्सन। लेकिन मैं समझता हूँ मेरे लोग यहाँ पे जितने भी 51 नामपोंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग, अधिकतर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर हैप्पी, क्योंकि एज एन रिप्रेजेंटेटिव मैंने जो काम उन लोगों के लिए करना है इन द लास्ट 10 ईयर्स मैंने पूरा कोशिश किया। भले ही कोविड थे और पॉलिटिकल टर्मोइल थे फर्स्ट 10 ईयर में, और सेकंड 10 ईयर में कोविड का डिस्टर्बेंस पैंडेमिक के बदौलत हम सब ने, इनफैक्ट आई मस्ट से वर्किंग ईयर्स जो है 5 to 6 ईयर्स ही हम लोग को मिला है इन द लास्ट 2-10 ईयर्स, फिर भी हम लोग ने पूरा परफॉर्म किया, 100% हमने काम किया। और इसके लिए मैं समझता हूँ लोग खुशी है, और उन लोग का जो सोच विचार है बातचीत करने से मुझे पता चलता है पीपल आर हैप्पी विद माई परफॉर्मेंस। ऑफकोर्स ये लोगों का एक्सपेक्टेशंस तो बहुत ज़्यादा होता है, मगर कोई भी काम जो है ओवरनाइट नहीं होता है। सरकार का भी एक लिमिटेशन होता है काम करने का, और डेवलपमेंटल प्रोसेस इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे सारा एक्सपेक्टेशंस और काम को हम लोग आगे करते रहेंगे। 2014 के बाद जयरामपुर को एक नया रूप मिला, जब सिमाई ने सब डिविजनल टाउन के सौंदर्यीकरण के लिए कई नवीन योजनाएं शुरू की। शहर की भव्यता बढ़ाने के लिए शहर के प्रवेश द्वार पर एक वेलकम गेट बनाते हुए एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग लगाई गई है। कॉलोनियों में सीसी फुटपाथ सड़कें और इंटरलॉकिंग ईंट ब्लॉक सड़कें विधायक द्वारा शुरू की गई कुछ पहल थी। मेरा नाम कंबोंग तिखा है और मैं जो कोविन बुस्ती हूँ। हमारे जो एमएलए सर लाइसम सिमाई जो 2014 का अजी लोग है जो ठीक है काम तो मैंने अमार बस्ती करने तो सही दिशे मैंने ये तो बस्ती पीएमजी रोड को बनाई दिशे आरो वाटर सप्लाई जो हर घर नल ये तो भी कोई दिशे चावल तो ये तो फ्री चावल ये तो पाए सो मंथली पाए सो। द्वितीय विश्व युद्ध के ऐतिहासिक सेमेट्री को विधायक द्वारा विभिन्न स्रोतों से निधि के माध्यम से एक संग्रहालय, एक बॉटानिकल गार्डन के निर्माण के साथ एक नया रंग दिया गया है, जबकि शहीद सैनिकों के सेमेट्री का जीर्णोद्धार किया गया है।
साउंड और लाइट शो और एक एम्फीथिएटर शुरू करने की भी योजनाएं चल रही हैं। खेल क्षेत्र में विश्व स्तरीय बैडमिंटन कोर्ट के अलावा अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ सेटोंग सेना आउटडोर स्टेडियम के उन्नयन के साथ जयरामपुर राज्य के अन्य शहरों के साथ आगे बढ़ गया। टाउनशिप में पहली बार ओपन एयर जिम स्थापित किया गया है, जहां लोग उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होने के कारण सिमाई ने इसे अपनी प्राथमिकता सूची में महत्व दिया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के फंडिंग से जयरामपुर टाउनशिप के बाहरी इलाके में एक नया कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया, जहां सभी आधुनिक उपकरण और परीक्षण किट उपलब्ध है। सिमाई के कार्यकाल के तहत टाउनशिप में अर्बन डेवलपमेंट ऑफिस, लेबर यूनियन ऑफिस और रेस्ट हाउस, विमेन वेलफेयर ऑफिस सहित कुछ नए बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया था। ये एक वॉर मेमोरियल, एक तो उसको भी हम लोग बना रहे हैं। हमारे लेट एक सिपाही थे, वो 7 असम राइफल 1962 इंडो चाइना वॉर और इंडो पाकिस्तान वॉर में भी पार्टिसिपेट किया, तो वो उसका वॉर मेमोरियल अनसंग हीरोज के तौर पर उसको भी बना रही है। शिक्षा क्षेत्र में सिमाई द्वारा राज्य में पहली बार 2 मंजिला स्कूल भवन के निर्माण से टाउनशिप को बड़ा बढ़ावा मिला। जयरामपुर विवेकानंद केंद्र विद्यालय की इंटरनल रोड को ईंट ब्लॉक सड़कों में बदल दिया गया है, जबकि छात्रों के लाभ के लिए स्कूल में एक नया ऑडिटोरियम भी बनाया गया है। टाउनशिप का पुराना थाना जो जर्जर हालत में था, उसे कानूनगों ने नवीन बैरक के निर्माण के साथ उच्चीकृत कराया। सिमाई ने नामपोंग सबडिविजन पर भी बराबर ध्यान दिया, जिन्होंने विकास लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नया अत्याधुनिक टूरिस्ट लॉज आकर्षण का स्थान रहा है, जो जल्द ही चालू हो जाएगा, जबकि टैक्सी स्टैंड निर्वाचन क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं के लिए एक और प्रमुख परियोजना है। 51 नामपोंग असेंबली का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम है, नामपोंग से शुरू होता है, तो मेरे लिए नामपोंग बहुत इम्पोर्टेंट टाउन है। और खास करके इंडियन हिस्ट्री में भी अगर हम देखेंगे तो नामपोंग जो है लास्ट बॉर्डर टाउन शेयरिंग इंटरनेशनल म्यांमार इंडो म्यांमार बॉर्डर। तो हम सब जानते हैं पांगसाओ पास इंटरनेशनल बॉर्डर जो है नामपोंग से सिर्फ 12 किलोमीटर्स में है, इसलिए इसका टाउनशिप का इम्पोर्टेंस कितना है आप इससे नज़रअंदाज कर सकते हैं। सो मैं वेरी फॉर्चुनेट हूँ, आई एम वेरी थैंकफुल कि आई रिप्रेजेंट 51 नामपोंग। और नामपोंग जिसे कि हमने कहा है, ये भी एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाउन्स में से गिना जाता है। तो इस ए स्मॉल हैमलेट, बहुत स्मॉल टाउन है, सराउंडेड बाय द विलेजेस लोकेलिटीज, वहाँ के बहुत सारे गांव्स है वहाँ सराउंडेड है। तो मैं जब 2014 में चुना गया है, मेरा फर्स्ट जो ध्यान गया है हेल्थ एंड एजुकेशन को लेकर, क्योंकि मैंने अपना स्कूलिंग नामपोंग से किया है, इसलिए मैंने हमेशा से सोचा नामपोंग स्कूल बहुत ही डिलैपिडेटेड कंडीशंस में थे। तो मैंने इमीडिएटली एमएलए बनने के बाद सारा स्कूल्स को कंप्लीट रिनोवेशन कराया और जितना हो सके स्कूल में पूरा ध्यान दिया है। उसके बाद में हॉस्पिटल को भी अपग्रेड कराया है, पूरे कंप्लीट रिनोवेशंस किया है। उसके बाद में कॉलोनी रोड्स को भी हम लोग पूरा बनवाया है। आज के दिन में नामपोंग टाउनशिप में कहीं में भी एक कॉलोनी रोड्स बहुत अच्छा तो हम नहीं कहेंगे, बट ऑल इन द गुड शेप। उसके बाद में पावर हाउस बहुत डिलैपिडेटेड में थे, बहुत लॉन्ग एगो उसको बना के रखे था, बहुत डेंजर भी थे कि स्टाफ का भी बहुत कहीं भी कुछ भी हो सकता था, ऐसा स्थिति थे। तो बहुत ही सुंदर एक पावर हाउस बनाया है। उसके बाद में वहाँ पे प्ले ग्राउंड में हमने जो रोस्ट्रम और पब्लिक गैलरी शेड भी बनाया, वो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल आई मस्ट से वो रोस्ट्रम है। और
टाउन में जितना ब्यूटिफिकेशन करना है नामपोंग के लिए उसका भी हम लोग भरपूर कोशिश किया है। और इसमें टूरिस्ट लॉज, न्यू बिल्डिंग टूरिस्ट लॉज भी हम लोग बनवाया है, बहुत ही जल्दी इसका उद्घाटन होगा और इसका फंक्शनल भी हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, नामपोंग में पुलिस स्टेशन नहीं थे, इंडिपेंडेंट पुलिस स्टेशन नहीं थे, उसको पुलिस स्टेशन बनाया और साथ साथ सारा इंफ्रास्ट्रक्चर्स बैरेक से लेकर पुलिस स्टेशन से लेकर उसको भी बनवाया। और ट्रेड एंड कॉमर्स के जो बिल्डिंग थे, एक तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है उसको भी बनवाया है। और नामपोंग रिवर एक छोटा सा एक नाला है, लेकिन वो भी सामर में बहुत ही जोरदार फ्लड होता है, तो पुलिस स्टेशन और एक गांव के रास्ता है उसमें भी सारे हम लोग ने प्रोटेक्शन वॉल्स एम्बैंकमेंट बनवाया, जिसके चलते पुलिस स्टेशन अभी सेफ है। और ठीक उसी तरह बहुत सारा गांव है सराउंडिंग विलेजेस में भी, जो रिक्वायरमेंट्स है गांव में वो सभी चीज़ हमने प्रोवाइड करने के लिए पूरा कोशिश किया। उमसो पास पर बॉर्डर हट का निर्माण निर्वाचन क्षेत्र के छोटे व्यापारियों के लिए एक वरदान के रूप में आया। विधायक के गृहनगर मनमाओ में भी उनके दो कार्यकाल के दौरान कई विकासात्मक परियोजनाएं देखी गई। मनमाओ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में नए लड़के और लड़कियों के हॉस्टल और गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल को गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में अपग्रेड करना उनके कार्यकाल में देखी गई कुछ उपलब्धियां है। मनमाओ पर्यटकों की आवास समस्याओं को कम करने के लिए एक नया न्यू इंस्पेक्शन बंगलो और एक टूरिस्ट लॉज का निर्माण किया गया। मनमाओ टाउनशिप की सड़कों में भारी सुधार किया गया, जबकि केंद्रीय गृह मंत्रालय के फंड से सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ एक नया मनमाओ पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया। मनमाओ मेरा बर्थ प्लेस है, मेरा होम टाउन है। मनमाओ जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी एक यूनिक है, एक ट्राइपोड स्टैंड जैसा है, जयरामपुर, नामपोंग और मनमाओ। तो किसी एक टाउन को भी आप नेग्लेक्ट करेंगे तो बहुत ही मुश्किल होता है। तो आई ट्रीट दिस थ्री टाउन्स इक्वली इम्पॉर्टेंट, इसलिए मेरे लिए मनमाओ भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना नामपोंग और जयरामपुर है। इसलिए और ख़ास करके मैं मनमाओ से आता हूँ तो मेरे लिए और भी डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है। मनमाओ मेरा स्कूलिंग भी वहाँ हुआ है, मेरा बर्थ प्लेस है, इसलिए मनमाओ को हमेशा से मैंने दिल में, अपना दिल में फर्स्ट प्रायोरिटी रखा है। जैसे जैसे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ का बात जब कहेंगे, 2014 से हमने जब आया हूँ तो मैंने फर्स्ट वैसे ही स्कूल और हॉस्पिटल, हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर को हमने फर्स्ट प्रायोरिटी दिया है। हेल्थ इसलिए मैंने दिया है क्योंकि मनमाओ जो है थोड़ा इंटीरियर है, इसलिए वहाँ के लोग बहुत ही हेल्थ सब सेंटर थे उसी समय में, तो उसको हमने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में अपग्रेड किया है, CHC। आज के दिन में वो CHC मनमाओ है। और वहाँ में जो बेसिक फैसिलिटीज़ थे, एक्सरेज के मशीन से और जो जो बेसिक एमिनिटीज है सारा प्रोवाइड करने के लिए हमने पूरा कोशिश किया। उसके बाद में वहाँ में एकोमोडेशन के लिए टूरिस्ट लॉज या IB नहीं थे, एक पुराना IB थे वो बहुत ही ख़राब थे, तो इसलिए हमने नया एक IB बिल्डिंग भी बनवाया, टूरिस्ट लॉज भी बनवाया, तो दोनों इनोग्रेट करके अभी फंक्शनल भी हो रहे हैं। उसके बाद टाउनशिप रोड बहुत ही ख़राब कंडीशन में थे, लेकिन उसको भी पूरा बरामद कराया है टाउनशिप रोड को, लेकिन अभी लास्ट 2-3 मानसून से थोड़ा ख़राब हो गया है, फिर भी उसको भी फिर आने वाला दिन में चीफ मिनिस्टर्स कॉम्प्रिहेंसिव रोड प्लान में उसको ऑलरेडी सबमिट किया हुआ है, वो इसको भी हम लोग काम करेंगे। उसके बाद में स्कूल मनमाओ उसी समय सेकेंडरी स्कूल्स थे, लेकिन 2015-16 में स्कूल को भी हमने अपग्रेड कराया, वो अभी हायर सेकेंडरी स्कूल है, क्योंकि मैं खुद वहाँ से, मैं क्लास 10 जब पास हुआ था, मेरे लिए क्लास 11 पढ़ने के लिए जयरामपुर या नामपोंग में आना पड़ता था, बहुत तकलीफ था, और वो भी एडमिशन मिलेगा कि नहीं ऐसा स्थिति में था, इसलिए मैंने
वो एक्सपीरियंस को याद आया और मैं अपने बच्चों के लिए मनमो एरियाज के लिए वहाँ पे ही क्लास 12 तक पढ़ने का जो सुविधा देने के लिए मैंने किया और आज हमारे बच्चों लोग वहाँ पे अपना क्लास 12 भी वहीं पे पढ़ाई कर रहे हैं। साथ में प्ले ग्राउंड्स है और वहाँ पे पुलिस स्टेशन, मनमो में भी इंडिपेंडेंट पुलिस स्टेशन नहीं था, वहाँ में भी पुलिस स्टेशन MHA से और ऑनरेबल होम मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का ब्लेसिंग से पुलिस स्टेशन का भी एस्टेब्लिश किया और फुल्ली अभी फंक्शनल हो रहा है और बहुत सुंदर मनमो एक हिल टाउन है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, कोई भी आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद में वाटर सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पे भी पावर हाउस भी नया बनाया है, PHE का सेक्शन ऑफिस बनवाया और CDPO's ऑफिस बनवाया, AC ऑफिस में कॉन्फ्रेंस हॉल बनवाया और छोटा छोटा बहुत सारे चीज़ें हैं। और टाउनशिप में वाटर सप्लाई भी बहुत बुरा कंडीशन, ना के बराबर थे, उसको भी हमने 2014 में आकर न्यू सेंशंस करा कर अभी वाटर सप्लाई भी फुल्ली फंक्शनल और बहुत अच्छा से हो रहा है। उसका साथ साथ फिर JJM में भी एडिशनल वाटर सप्लाई सोर्स भी लेके अभी उसका भी बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। ऐसा करके मनमोह में भी आज तकरीबन स्थिति बहुत अच्छा है, बहुत ये सब चीजें हमने इन द लास्ट 10 ईयर्स कराया। सिमाई, जो राज्य के पर्यटन मंत्री के सलाहकार भी हैं, ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में इस क्षेत्र के विकास के लिए एक रोड मैप निर्धारित किया है जो ऐतिहासिक स्टिलवेल रोड और द्वितीय विश्व युद्ध सेमेट्री के लिए प्रसिद्ध है। विधायक सिमाई रीमापुटो क्षेत्र में एक पोटर ट्रैक का निर्माण करने की योजना बना रहे हैं जो उस स्थान तक जाता था जहां द्वितीय विश्व युद्ध के अमेरिकी सैनिकों ने डेरा डाला था। वह क्षेत्र में ऐतिहासिक महत्व के एक स्टैंडिंग स्टोन को संरक्षित करने के लिए एक परियोजना शुरू करने की भी योजना बना रहे हैं। उनके निर्वाचन क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न झरनों के संरक्षण के साथ साथ एक प्राकृतिक तालाब का सुरक्षा एवं संरक्षण भी किया जा रहा है जहां हर साल विभिन्न प्रकार की पक्षी प्रजातियां एकत्र होती है। मेरा शुरुआत से एक ही सपना रहा है कि हमारे जितने भी सिटीजन्स है इंडिपेंडेंट रहे, सेल्फ रिलायंट, इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंट रहे। उसके लिए हमने डे वन से काम करना शुरू किया है बाय प्रोवाइडिंग देम लाइफ स्टॉक, प्लांटेशन मटेरियल्स, DOTC से और जो भी फंडिंग सोर्स है। करते करते अभी बहुत लोग इसका द्वारा टी सैपलिंग प्रोवाइड किया है, एरिकनाट सैपलिंग प्रोवाइड किया। लोगों का आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी होता है जिसके चलते वी कैन सी द हैप्पीनेस इंडेक्स एंड ऑल्सो द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द फैमिली। तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें को मेरा एक सपना था, अभी और भी बहुत करना बाकी है। इसके साथ साथ अभी सरकार से भी बहुत सारा आत्मनिर्भर स्कीम्स आया है, उसको भी हम लोग एकदम नीडी एक फैमिली से एक एक बेनिफिशरीज को उसको रिपीट नहीं करते हैं। एवरी ईयर वी चूज सिंगल बेनिफिशरीज फ्रॉम ऑल फैमिली सो दैट एवरी फैमिलीज विल बी कवर्ड अंडर दिस आत्मनिर्भर स्कीम्स। इस पॉलिसी को लेकर हम लोग चल रहे हैं। सिमाई की पहली प्राथमिकता अपने निर्वाचन क्षेत्र में सरकारी कर्मचारियों के आवास के लिए क्वार्टर और सभी गांवों की परिधि में सड़कों का निर्माण करना और साल भर फ्लड की समस्या को समाप्त करने के लिए कत्थम नदी पर फ्लड कंट्रोल के निर्माण के अलावा आसान आवाजाही के लिए नामचिक नदी पर एक नया पुल बनाने की भी योजना बना रहे हैं। जो मेरा विजन है इकोनॉमिक लाइवलीहुड तो दूसरा पार्ट है, मगर इसका साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा सड़क देना, बिजली, पानी और लोगों का जो सेल्फ रिलायंट वो होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये मेरा एक विजन है कि ऑल विलेजेस शुड बी कनेक्टेड विद ऑल वेदर रोड सो दैट द पीपल विल नॉट सफर, दे कैन go and connect to any places 24/7। ये एक एरिया है। और दूसरा चीज़ जो है
एजुकेशन सेक्टर को लेकर हमारा बहुत बड़ा चिंता है। डे वन से हम लोग का कोशिश ये रहा है कि एजुकेशन सिनेरियो को इम्प्रूव करना है, जिसके चलते आज जितने भी गवर्नमेंट स्कूल से सारे स्कूल्स सचमुच डिलैपिडेटेड कंडीशंस में है, और हमारे बच्चों जो पेरेंट्स लोग स्कूल का फेस को देखकर ही अपना बच्चों को वह एनरोलमेंट नहीं कराता है, इसके लिए हमारे लिए बहुत एक चिंता का विषय है। तो हमने इस बार अगर मैं फिर से चुनाव जीतता हूँ तो मैं स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर्स को भी फर्स्ट प्रायोरिटी देने के लिए कोशिश करूँगा। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने मन है, प्रोटोटाइप होगा, हर प्राइमरी स्कूल्स विल लुक अलाइक इन ऑल द विलेजेस, ऑल स्कूल्स, हाई सेकेंडरी स्कूल्स एंड सेकेंडरी स्कूल्स इन अ फेस मैनर इसको हम लोग बनाने चाहेंगे। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज देने के लिए चाहेंगे, कंप्यूटर रहेंगे और वहाँ पे जितने भी जो मॉडर्न फैसिलिटीज़ है स्कूल्स में देने के लिए प्रोवाइड, क्योंकि अनटिल एंड अनलेस वी इम्प्रूव द क्वालिटी और प्रोवाइड द क्वालिटी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन, हमारा फ्यूचर इनसिक्योर्ड है, क्योंकि द फ्यूचर बिलोंग्स टू द चिल्ड्रन एंड बिलोंग्स टू देम, उसको सिक्योर करना बहुत जरूरी मैं ऐसा मैं समझता हूँ। बहुमुखी नेता को उम्मीद है कि उनके लोग उन्हें फिर से वोट देकर सत्ता में लाएंगे, ताकि वह पूर्वोत्तर राज्य के अन्य विकसित क्षेत्रों के बराबर अपने निर्वाचन क्षेत्र को विकसित करने के अपने मिशन को पूरा कर सके।